हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हेयर स्मूथिंग क्रीम जो आपके बालों को बनाएगी स्मूथ। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी हेयर स्मूथिंग क्रीम जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। हर किसी का सपना होता है कि उसके बाल लंबे, घने और सिल्की और सॉफ्ट भी हो, क्योंकि हर किसी की खूबसूरती उसके बालों से होती है। यदि किसी के बाल रफ या ड्राई या अगर उसके बाल नहीं बढ़ रहे होते हैं तो उसके लिए वो बहुत बड़ी समस्या होती है। हमारे बाल कई कारणों से नहीं बढ़ पाते हैं, जैसे बालों की देखभाल ना करना, डिलीवरी होने के बाद बालों का झड़ना और फिर उनका बढ़ना भी बंद हो जाना, केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स का यूज करना, बालों का धोकर उनको तौलिए से तेज तेज झटकना आदि कई कारण हैं जिनसे बालों में कई तरह की समस्याएं हो जाती है। यदि आपको भी अपने बालों को बढ़ाकर लंबे और घने बनाने हैं और खूबसूरती पाना है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसे बनाने के लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए जो कि है 2 चम्मच नारियल का तेल, 2 चम्मच ऑलिव ऑयल, आधी चम्मच बटर, 1/2 ग्लास मिल्क, 2 चम्मच एलोवेरा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, अंडे का पीले भाग, विटामिन ई की कैप्सूल्स। अब जानते हैं इसे बनाने की विधि। इस हेयर क्रीम को बनाने के लिए एक पैन ले और इसको गैस के ऊपर रख लें। अब इसमें 1/2 ग्लास दूध डालें और इसमें कोकोनट ऑयल डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें कोकोनट मिल्क डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें बटर, एलोवेरा जेल, इन सब को मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। याद रखें कि इसमें हमें एक एक करके सामग्री डालनी है, इसके बाद मिक्स करना है। अब इसमें अंडे का पीला भाग डालकर आँच को धीमा कर देना है और इसे अच्छी तरह मिक्स करते रहें। याद रखें कि इसमें अंडे का पीले भाग को बहुत ही लास्ट में डालना है, क्योंकि ये इस क्रीम को लम्स बनाएगा। जब तक इसका थिक पेस्ट ना बन जाए, यानी ये हमें क्रीम की फॉर्म में ना मिल जाती, तब तक इसको मिक्स करते रहें। और जब आपको लगे कि ये क्रीम आपके बालों में लगने के लिए तैयार हो गई है तो गैस को बंद कर दें और इस क्रीम को थोड़ी देर के लिए मिक्स करते रहें, जिससे इसमें लम्स ना बने, और फिर इस तेल को ठंडा होने के लिए रख दें। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आप विटामिन ई का यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो ग्लिसरीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जिनके बाल रफ या ड्राई नहीं है तो वो इसमें ग्लिसरीन या कैप्सूल ना मिलाएं। इस क्रीम को आप हफ्ते में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं और आप इस क्रीम को 2 हफ्ते तक भी स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊँगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।